हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं ढोकला की बहुत ही ज़्यादा आसान और यूनिक रेसिपी। इस तरह से आपने ढोकला कभी नहीं बनाया होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखें और ढोकला बनाएं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ा बोल ले लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन। अगर आपने एक बड़ी कटोरी बेसन लिया है तो आप एक छोटी कटोरी लेंगे सूजी। आपको क्या करना है, बेसन बिल्कुल महीन वाला लेना है और जो सूजी लेंगे वो भी बिल्कुल महीन वाली लेनी है। मोटी वाली सूजी और मोटा बेसन यूज़ नहीं करना है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, करीब एक चम्मच। उसके बाद डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक चम्मच के करीब। इसके बाद क्या करना है, आपको इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सूखा है, इसमें पानी नहीं डाला है अभी हमने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आपको क्या करना है, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये थिक बैटर तैयार हो गया। आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक मैंने वो रख दिया है, इसके बाद इसके लिए हम पानी बना लेते हैं। ढोकला का पानी बनाने के लिए हमने एक पैन में तेल डाल के इसमें थोड़ी सी राई डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, राई को अच्छे से चटका लेंगे। इसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़े से करी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने कटी हुई हरी मिर्च इस तरह से लंबी लंबी काटी है, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसी तरह से इसको अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा ही भूनना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे पानी। उसके बाद डाल देंगे इसमें करीब 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल देंगे थोड़ा सा नमक, इससे कि मीठा खट्टा फ्लेवर आए। तो इसमें हम डाल देंगे नींबू, नींबू से खट्टा फ्लेवर आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है और पानी बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एक चलनी। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये चलनी ले ली है, छेद वाली। ये इसके ज़्यादा मोटे छेद नहीं है। और इसको और अब हम क्या करेंगे, इस कुकर में जो पानी बॉयल हुआ है उसी के ऊपर चलनी को रख देंगे गर्म होने के लिए। जब तक चलनी गर्म होगी तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने बैटर बना के रखा था ढोकला के लिए, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा। सोडा आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसको अच्छे से फेंट लेना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हल्का हो गया है यहाँ पर ये बैटर, और चलनी भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। चलनी जब खूब अच्छे से गर्म हो जाएगी तभी आपको इस पे ढोकले का जो बैटर है डालना है। जब तक चलनी गर्म नहीं होगी तब तक आपको इस पे बैटर नहीं डालना है, वरना इसके छेद से सारा बैटर निकल सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ों का याद रखना है। एक तो चलनी अच्छे से गर्म होनी चाहिए, और दूसरा कि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहें तो थाली या किसी प्लेट की हेल्प से कवर कर सकते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसको चाकू से हल्के से प्रिक करके देख लेंगे। आप देख सकते हैं चाकू जब मैंने निकाला तो इस पर बेसन बिल्कुल नहीं लग गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग साइड में रख लेते हैं, जैसे कि अब हम इसको निकालेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक चाकू की हेल्प से इसके किनारों पे जो ये जो चिपक गया है थोड़ा सा, उसको इस तरह से छुटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी सी एक शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में भी कट सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से इस ढोकला को शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटा है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में ही काटा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पीसेस को अलग अलग निकाल के एक प्लेट में कर लेंगे। अब हमने जो पानी बना के रखा था ढोकले के लिए, खट्टा मीठा पानी, वो इस पे डाल देंगे, जिससे कि ये ढोकला अच्छे से इसमें भीग जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये पानी अगर आप थोड़ी देर पहले डाल देंगे तो ये थोड़े से अच्छे से भीग जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ता ऊपर से डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें ऊपर से जो रादा होता है नारियल का वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार और कितना अच्छा बना था, ये देखने से ही पता चल रहा था कि ये कितना सॉफ्ट बना था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एकदम मुंह में घुल जा रहा था, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना था।
तो ये वाली रेसिपी ढोकले की आप लोग सभी ज़रूर ट्राई करिए। और आप सभी लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।